नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पुनर्निर्मित भवन के शुभारंभ के मौके पर कहा कि रमन सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल गई है। सीएम ने भाजपा के लिए काम कर रहे सभी कार्यकर्ताओं की काफी तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री विपक्ष पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। सीएम ने कहा कि 2003 से पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहद खराब थी। लोगों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। रमन सिंह ने कहा कि जो योजनाएं रमन सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसकी कल्पना कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज पूरे देश में केवल 6% तक रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के पुनर्निर्मित चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। नए कार्यालय के निर्माण के बावजूद पुराने कार्यालय से चुनाव लड़ने पर सीएम ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने इस भवन को भाजपा के लिए सुविधाजनक बताया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2003, 2008 और 2013 में चुनाव का संचालन हमने यहीं से किया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। इस कार्यालय का चुनाव संचालन की दृष्टि से शुभारंभ किया गया, ताकि 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब हो। पुराने भवन से चुनाव लड़ने पर लक फैक्टर का प्रश्न पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि जिस पिच पर आप लगातार खेलते हो, जिस पिच के बारे में आपको जानकारी होती है, उस पिच से यदि मैच होता है तो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। सीएम ने पुराने कार्यालय को अपना पुराना मैदान बताया। यहां से चूंकि जिस पिच में आप लगातार खेलते रहो और जिस पिच के बारे में जानकारी होती है और उस पिच में यदि मैच होता है तो बड़ा कंफर्टेबल होता है। ये हमारा पुराना मैदान है, पुराना कार्यालय है और यहाँ से हम लोग ये मान के जाते हैं कि विजय हम हर बार हासिल किए हैं, इसलिए इस कार्यालय में और ये सुविधाजनक है, शहर के केंद्र में है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी अन्य ताजा अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए अलाइव 24। नमस्कार। We'll be right back.